नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश मौसम को लेकर आई है। उत्तर प्रदेश में फूटा बादल, वाराणसी डूब गया है। वाराणसी में गंगा तेजी से दोस्तों उफान पर आई है, सारे घाट डूब गए, कई घाटों का संपर्क टूट गया है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश होने के चलते वाराणसी और गाजीपुर जिले में गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। आलम यह है कि वाराणसी में गंगा किनारे स्थित कई घाटों का संपर्क एक दूसरे से टूट गया है और खतरे को देखते हुए गंगा किनारे होने वाली आरती का स्थान भी बदल दिया गया है। हालात बेकाबू हो गए हैं। इसके अलावा सवदहा स्थल को भी बदलना पड़ा है। सुरक्षा की दृष्टि से घाट किनारे जल पुलिस और एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, गंगा नदी बेकाबू हो गई है। उत्तर प्रदेश के लगभग दोस्तों 5000 से ज्यादा गाँव में खतरा है। जगह जगह नाए उतार दी गई है, जगह जगह बाढ़ चौकियां स्थापित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के लगभग 50 जिलों में आज भारी से अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भारी से अति भारी बारिश होगी। कुछ स्थानों पर दोस्तों आपको बता दें तेज हवाएं चलेंगी और कहीं कहीं पर आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। पिछले 24 घंटों में 27 लोगों की मौत आकाशीय बिजली गिरने की वजह से हुई है। आप सभी से विनती है कि भारी बारिश के चलते बाहर ना निकले, नदी नालों के पास तो भूल कर भी ना जाएं, क्योंकि सभी नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। लगातार उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके तहत गंगा, यमुना और भी अन्य जो नदियां हैं वो दोस्तों उफान पर आई हुई हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर हाहाकार मच रहा है। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के अनुसार दोस्तों देर रात गंगा का जलस्तर 64.20 मीटर दर्ज किया गया है, जबकि गंगा के जलस्तर में प्रति घंटे 2 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो रही है। सारी घाट पानी में डूब गए हैं, आपसी संपर्क टूट गया है, गंगा आरती का स्थान भी बदला गया है। सीएम योगी अलर्ट है, बाढ़ चौकियां स्थापित कर दी गई है, सभी जिला कलेक्टर के साथ बड़ी मीटिंग हो रही है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। आप दोस्तों 50 जिलों में भारी से अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। यूपी के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मध्य महाराष्ट्र, वहीं दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर भी भारी से अत्यंत भारी बारिश हो रही है। जगह जगह से सड़कें भी टूट गई हैं, कई दोस्तों सड़कें बंद कर दी गई हैं, नेशनल हाईवे भी बंद है। आप देख सकते हैं जो घाट पानी में डूब गए हैं, मंदिर भी दोस्तों पानी में डूब गए हैं, इसलिए वाराणसी के अंदर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। उधर दोस्तों प्रयागराज के अंदर भी सभी घाट डूबे हुए हैं। आप सभी अलर्ट रहें, नदी नालों के पास ना जाएं, भारी बारिश के चलते बाहर ना निकलें। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब।